नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनेक्स्ट में स्वागत है, जहां पर आपको कृषि संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। किसान साथियों, अगर आप भी सनफ्लावर यानी सूरजमुखी की खेती करते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सूरजमुखी के सबसे हानिकारक फंगल रोग के नियंत्रण और रोकथाम के बारे में, एक ऐसे रोग के बारे में जो बारिश के महीनों में अपनी चरम सीमा पर होता है, जिस रोग को हम लीफ ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। परिस्थिति बिगड़ने पर सूरजमुखी का यह फंगल संक्रमण खेतों को 30% से 80% तक नुकसान पहुंचा सकता है। इस रोग के शुरुआती लक्षणों में सूरजमुखी की पत्तियों पर भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, जो कि समय के साथ साथ पूरे पौधे में फैल जाते हैं। सूरजमुखी का यह रोग बारिश के महीनों में अपनी चरम सीमा पर होता है और बारिश के महीनों में इस रोग के कारण सूरजमुखी के पौधों के फूल सूख कर झड़ जाते हैं, जिसके कारण सूरजमुखी के किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। सबसे पहले तो पिछली फसल के अवशेषों को और संक्रमित पत्तियों को जलाकर नष्ट कर दें और सूरजमुखी के खेतों के आसपास खरपतवारों को बिल्कुल उगने ना दें। सूरजमुखी की बुवाई के समय दो पौधों के बीच की दूरी 45x30 cm या 60x30 cm रखने से इस रोग के होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। सूरजमुखी के बीजों को बोने से पहले सूरजमुखी के बीजों को कार्बंडाजीम या थायराम से उपचारित करने पर इस रोग से बचा जा सकता है। किसान साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कृषि संबंधी जानकारी आपको सही समय पर मिलती जाए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।